नमस्कार भैया बहनी, अपना पंच देख रहे हैं विराट के बघेली बुलेटिन पूजा के साथ। रीवा में ही प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के अर्थी निकाले वाले मिर्ची बाबा और उनके समर्थकन के पुलिस के साथ झड़प हो गए। अपने बता दें कि मिर्ची लेके निकले अर्थी बाबा से पुलिस अर्थी छुड़ाए के ओखा नष्ट कर दी। नहीं जानकारी के लाने बताई कि गौशाला के अव्यवस्था के विरोध में ही मिर्ची बाबा कांग्रेस समर्थकन के साथ पहुँच के अर्थी यात्रा निकाले वाले रहे, पर पुलिस के व्यवस्था इनके अरमानन माही पानी फेर दी, जोने के बाद मिर्ची बाबा का ही काले चौराहा के लगे से अर्थी निकाले से पहले न अर्थी उनसे छुड़ाए के नष्ट की गए हुए। मेरा ये था कि 6 महीना से रीवा जिले की किसी भी गौशाला में पैसा नहीं पहुंचा है। दूसरा, वहां पानी की व्यवस्था नहीं, घास की व्यवस्था नहीं, गाय भूख से तड़प के मर रही है। एक गौशाला में 10 गाय भूख से तड़प के मर गई, प्रशासन उस पर सुनवाई नहीं करता है। और वर्तमान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह झूठी घोषणा करते हैं कि गायों को पैसा पहुँच रहा है। तो इसके लिए रीवा जिले में मेरा भ्रमण था, सारी गौशाला का भ्रमण किया है और गाय को प्राप्त अवस्था में घास पहुंचे। वर्तमान सरकार 50 रुपये रोज गाय को दे और केंद्र सरकार शीघ्र से शीघ्र गौ माता को राष्ट्रीय माता घोषित करे, जिससे कि हमारे देश की गाय बच सके। आप अर्थी लेकर निकले थे, पुलिस ने रोका और अर्थी को छीन लिया। अर्थी को इसलिए छीन लिया, पुलिस संविधान की दृष्टि से काम कहाँ कर रही है, शिवराज के इशारे पर काम कर रही है। और शिवराज के इशारे पर काम किया जाता है, जो भी सच समाज में लाना चाहता है उस पर झूठे केस ला दिए जाते हैं, उसे डराया जाता है, उसे धमकाया जाता है। पुलिस ने आपको रोका और? अरे पुलिस ने रोका क्या, पुलिस ने तो मेरे साथ में जो व्यवहार किया वो ठीक थोड़ा ही था। ये कागज रखे हैं जो पूरी मीडिया देख रही है, 6 महीने से इन गौशालाओं में पैसा नहीं पहुँच रहा है। बुलेटिन की अगली खबर मऊगंज से है, जहां प्रदेश कांग्रेस के निर्देशानुसार विधानसभा के पूर्व विधायक सुखेंद्र सिंह बन्ना के मार्गदर्शन में ही ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष संजय तिवारी मुदरिया ग्राम पंचायत में पहुंच के घर घर चलो अभियान के तहत कांग्रेस के लोगों का ही सदस्यता दिवाए। अब कांग्रेस के नीतियन के बारे में विस्तार से जानकारी दी। बतावे आन है, सबके जागरूक करे आन है, सबके समस्या सुनाए आन है। बुलेटिन की अगली खबर हरमना से है, जहां के पुलिस 24 घंटा के भीतर दुष्कर्म के आरोपी का गिरफ्तार करके सलाखन के पीछे पहुंचा दी। अब बताया गई कि सामूहिक दुष्कर्म में पकड़े गए दुईठे नाबालिग आरोपी शामिल हम। पुलिस पीड़िता के शिकायत में ही मारपीट अपहरण और पास्को एक्ट के धारण के तहत मामला का पंजीबद्ध करी नहीं। पकड़े गए आरोपी में ही उदय उर्फ शिवकरण पिता ददई गोड़ जो उनके उम्र 22 वर्ष बताई जाती है, अमाटा थाना के रहने वाले और दुईठे और बाल अपचारी बताए जा रहा है, जिनका गिरफ्तार करके न्यायालय में पेश कई दिन का है। कल पुलिस थाना नोआना में एक बच्ची ने अपने परिजनों के साथ आगे रिपोर्ट की थी, जो आदिवासी समुदाय की है, कि उसके साथ जब वो अपनी जजीरी बहन के साथ अमरता मेले में गई थी, वहाँ से वापस आ रही थी, रास्ते में कुछ सुनसान होता, तो शाम के आसपास की बात है, उस समय कुछ लड़के आए और उनको छेड़छाड़ करने लगे, धीमा अटकी करके ले जाने का प्रयास करने लगे। एक जो लड़की थी वो तो वापस अपने घर आ गए, एक लड़की थी उसका कहना है कि उसको हाथ पकड़ के ज़बरदस्ती ले गए और जंगल की तरफ ले जाके उसके साथ बलात्कार किया। और उसके बाद फिर लड़की रात के 12 बजे अपने किसी रिश्तेदार के पास पहुंची वहां, और उसके बाद सुबह अपने माता पिता के साथ थाने आई। पुलिस मामले की गंभीरता को देखते हुए तत्काल प्रकरण पंजीबद्ध कर लिए और हमारे पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा SDP हनुमाना के नेतृत्व में थाना प्रभारी और अन्य स्टाफ के साथ एक टीम बनाई गई, जिसमें आरोपी को पकड़ के लिए लगाया गया। और इसके बाद फिर पुलिस ने चंद घंटों के बाद ही आरोपियों को दस्तयाब कर लिया
उसमें आरोपी में से एक आरोपी 22 वर्ष का है, बाकी दो आरोपी भी नाबालिग हैं। बुलेटिन की अगली खबर जावा थाने से रही, जहां चांदी गांव माही सड़क पार करने वाले मासूम का तेज रफ्तार बुलेट सवार कुचल दिन जोने के बाद बच्चा मौके पर दम तोड़ दिए। वह मृतक के नाम राजवीर सोनकर, पिता अरविंद सोमकर बताबा जा रहा है, जोने की उम्र लगभग 7 साल बताई गई है। वह आक्रोशित परिजन सड़क पर शव रखी के चक्का जाम करीन ता घंटन जाम लगा रहा, जोने के बाद भारी संख्या में पुलिस बल पहुंचा, जाने के बाद समझाइश के बाद धरना का मुआवजा के मिले के बाद रोका गा। चोट लग जा, दारू पी की नशा मा या मोटरसाइकिल चलाई पूरा घर में देकर खा लिया। एफआईआर दर्ज कर दिया है और ये जो पत्रकार फरियादी अगर उसमें दस्तखत कर रहे हैं तो उसको जो है मतलब जो कार्रवाई होती है पुलिस की वो आगे बढ़ेगी और वो कार्रवाई जो है उसके बाद ही। बुलेटिन की अगली खबर सिंगरौली जिला से रही, जहां संचालित होने वाली भारत सरकार के निर्यातक कंपनी NCL के जयंत कोयला खदान में हैवी ब्लास्टिंग हुए के कारण खदान से नियरे एक ठेक घर अचानक गिर गया। वहीं घर गिरे के कारण 17 साल के राजकुमार बसोर के दब कर दर्दनाक मौत हो गई। बताया यह जा रहा है कि खदान में BPR नामक कंपनी OB हटावे के काम कर रही, जोने के बाद स्थानीय लोगन के गुस्सा कंपनी के खिलाफ देखे का मिला है। वहीं मौका में ही भाजपा विधायक रामलल्लू बैस पहुंच के पीड़ितन का ही मुआवजा दे के बात करें, साथ ही यह कहें कि वहाँ हैवी ब्लास्टिंग रुकवाई जाए। तो भैया बहनी आज के बुलेटिन में इतना ही, तब तक के लाने दे इजाजत, देखत रहिए मारविंद के बघेली समाचार, साथ ही चैनल का लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करी। नमस्कार।